मंत्र दिया। पीएम मोदी के पहुंचने के पहले भिंड की कई महिलाएं रानी कमलापति स्टेशन पहुंच गई थी। इस दौरान महिलाओं में उत्साह भी देखने को मिला। महिलाओं ने गाना गाकर अपनी खुशी जताई है। कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने प्रदेश भर से करीब 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने 1000 बसें तो वहीं 10 स्पेशल ट्रेनें बुक की थी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे थे। अब जब वापसी है तो एक तो उनके दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जीत का मंत्र है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल को भी कैद किया जा रहा है कि हाँ वो यहाँ कुछ लोग भी उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले तो हम सभी बहनों उनका धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहते हैं कि 2024 में हमारी मोदी जी अच्छी मतों से जीते। दूसरी बात, महिलाओं के लिए जो चिंता मोदी जी करते हैं शायद मेरे को लगता है अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने की भी नहीं। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान देश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लाडली बहना के माध्यम से बहनों को इतना जागरूक कर दिया है, इतना अपना बना लिया है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया तो आपको और बेहतर मौका मिलेगा। वैसे तो आपकी सांसद भी महिला हैं संध्या, आने वाले समय में आपको भी और अच्छा मौका मिलेगा। जी, हम अब इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% जो आरक्षण दिया है बहनों को। अभी तक हमारी जो सांसद थी संध्या राय जी, अब हमारे भिंड से कई महिलाएं निकलेंगी। कार्य लगा रही है और 23-24 में बीजेपी की सरकार बनाने की इनकी तैयारी है। अश्विनी सिंह के साथ सुरेश शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।